बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि गुंदोगदो बे कौन थे और अर्तुगरल गाजी में ये किरदार किस अदाकार ने अदा किया? उर्दू में आपको गुलदारो साहब के नाम से पुकारा गया है। दिलीश अर्तुगरल को देखने के बाद लोगों के जहनों में ये सवालात आना शुरू हो गए कि गुंदोगदो बे का तारीख में क्या किरदार था और ये कौन थे। गुंदोगदो बे यानी गुलदारो साहब सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद, अर्तुगरल के बड़े भाई और सुलेमान शाह के सबसे बड़े बेटे थे। इस किरदार को दिलीश अर्तुगरल में कान टसेनर ने अदा किया। उन्होंने अपनी बेमिसाल अदाकारी से इस किरदार में जान डालकर रख दी। गुंदोगदो बे एक जहीन और बहादुर सिपाही थे। ये उन्होंने यसिसमिन की जंग में साबित किया जब वो अपने भाई अर्तुगरल और सुल्तान अलाउद्दीन की मदद को पहुंचे। गुंदोगदो बे काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह और अम्मा हाइमा के सबसे बड़े बेटे थे। आप बिलाशुबा एक बहादुर सिपाही थे क्योंकि आपकी परवरिश सुलेमान शाह जैसे बाप और अम्मा हाइमा जैसी मां की जेरे निगरानी हुई। यसिसमैन की जंग के बाद आपके भाई अर्तुगरल गाजी ने आपको अलामत के तौर पर हल्लात यानी अलामती लिबास पहनाकर काराचादिक और आसपास के इलाके उन्हें दे दिए। मंगोलों के जुल्म और सितम से भागकर नया वतन तलाश करने के लिए हिजरत करने वाले काई कबीले अपने वतन वस्तेशिया में वापस जाना चाहते थे। बेशतर कबाइल वस्तेशिया में वापस जाना चाहते थे, ताहम अर्तुगरल बे और उनके हामी अनातोलिया में ही रहना चाहते थे। गुंदोगदो बे और उनके साथ 1000 खानदान वापस अपनी आबाई सरजमीन यानी वस्तेशिया चले गए और अर्तुगरल बे मगरिब की तरफ चले गए जहां उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। गुंदोगदो बे यानी गुलदारो साहब का अर्तुगरल से अलग होकर मशरिक की तरफ जाने को कुछ मुअर्रिखीन ने एक बड़ी गलती लिखा है। अलबत्ता बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक ये दोनों की बाहमी मुशावरत के बाद ही हुआ था। तारीख में इस किरदार ने बहुत से बहादुरी के सबूत दिए और हमेशा अपने भाई अर्तुगरल के तारीख दिनों में उनका साथ दिया। उनके बेटे सुलेमान ने राय हक में जामे शहादत भी नोश किया और उनकी अहलिया सेलजान खातून, जिसे उर्दू ने शहनाज खातून कहा है, ने भी तारीख में ख्वातीन के हवाले से और बाद में उस्मान के साथ बहुत अहम किरदार अदा किया। ये तारीखी शख्सियत तारीख के सफ़ों से खामोशी से गायब हो गई। इससे पहले कि आपको गुंदोगदो बे का किरदार अदा करने वाले अदाकार कान टसेनर के बारे में बताएं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कान 23 अप्रैल 1979 को तुर्की में पैदा हुए। आपका ताल्लुक तुर्की के शहर अनातोलिया से है। कान अदाकारा साजिदा तशानर के बेटे हैं। 17 बरस की उम्र में अनातोलिया में थिएटर की क्लासें ली। उन्होंने कोनिया की सलचोक यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की हुई है। कान ने अदाकारी में पहला कदम थिएटर से रखा और सन 2004 तक मुख्तलिफ थिएटरों में काम करने के बाद टीवी ड्रामे बोयोक बोलोशमा में काम किया। आजकल कान दिलीश अर्तुगरल में जलवागर हैं और लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।